नमस्कार दोस्तों, आओ देखे जाने में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताते हैं आपको बेकारी की समस्या पर निबंध। बेकारी का अर्थ, कारण, समाधान, सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय। बेरोजगारी अथवा बेकारी का अर्थ है काम करने योग्य और काम करने के इच्छुक लोगों के लिए काम का अभाव। देश में बेकारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, जिस पर नियंत्रण पाना सरकार के लिए असंभव सा प्रतीत होने लगा है। बेरोजगारी की समस्या पर कैसे काबू पाया जाए दोस्तों, इस संबंध में विचार करने से पूर्व इसके कारणों पर भी विचार करते हैं। भारत की 60% से भी अधिक जनता गांव में रहती है। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में ग्रामोद्योगों की स्थिति तो अच्छी थी, पर ग्रामोद्योगों के नष्ट होने के कारण यह बना कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाकर उसे अपने कारखानों में तैयार करके भारत में उपयोग के लिए भेजने लगते हैं। इस प्रकार उनका देश तो सुख समृद्धि को प्राप्त करने लगा, लेकिन हम शोषण का शिकार होने के कारण आर्थिक दृष्टि से पंगु होने लगे हैं। और इसके साथ ही देश में असंख्य कारीगरों की अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा। वर्तमान दूषित शिक्षा पद्धति बेकारी का प्रमुख कारण है। अंग्रेजों ने इस शिक्षा पद्धति की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि वे इसके द्वारा कुछ पढ़े लिखे क्लर्क प्राप्त कर सकें। खेत का विषय है कि वही शिक्षा पद्धति आज तक क्लर्कों की भीड़ के सिवाय कुछ उत्पन्न नहीं कर पाई। आज के नौजवान हाथ का काम करने में अपनी हेटी समझते हैं। देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का सर्व प्रमुख कारण बनता जा रहा है। सरकार की ओर से जो रोजगार प्राप्त किए जाते हैं वे तेजी से बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य होते जाते हैं। देश की बेकारी दूर करने के लिए कृषि का समुचित विकास आवश्यक होता है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण, उन्नत बीज, उत्तम खाद तथा कृषि यंत्रों का प्रबंध और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है तथा हमने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की। बेकारी के निवारण के लिए देश का औद्योगिक विकास भी आवश्यक है। हमारे देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिए असीम संभावनाएं भी हैं। श्री एम एल डार्लिगिन ने कहा हमारे देश के संबंध में कि भारत के विषय में सबसे रोचक तथ्य यह है कि उसकी मिट्टी धनी है किंतु उसके निवासी निर्धन हैं। देश की बेकारी की समस्या से निपटने के लिए शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था लक्षणीय होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नए लोगों में कार्य शक्ति का विकास करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी तथा इसमें उनमें उद्यम की भावना का भी जागरण होगा। बेकारी बेरोजगारी की समस्या से जूझने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी रोक लगानी जरूरी है, अन्यथा सारी योजनाएं विफल भी हो सकती हैं। आवश्यक है कि सरकार समूचे राष्ट्र के लिए एक व्यापक तथा अच्छी तरह से सोची समझी रोजगार नीति अपनाए तथा सारी अर्थव्यवस्था को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए। इसके लिए देश में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में उत्पादन प्रवृत्तियों का प्रोत्साहित किया जाएगा। बेरोजगारी की समस्या वास्तव में गंभीर तथा जटिल समस्या भी है, जिसके निवारण के लिए अनेक उपायों की आवश्यकता पड़ती है। जो विभिन्न योजनाएं सामने आ रही हैं उनमें यह आशा बंधी है कि धीरे धीरे यह समस्या सुलझती जाएगी। आज के शिक्षित वर्ग ने जिस प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है उससे भी बेरोजगारी की संख्या अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ने पाएगी। सरकार की उदार आयात निर्यात नीति के कारण अनेक बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।